पीपीगंज थाने की पुलिस ने अपने पिता की हत्या करने के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान भोला प्रसाद पुत्र स्वर्गीय शिवधर निवासी ग्राम तिघरा थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से घटना में प्रयुक्त मोटा डंडा को बरामद किया गया है। एसपी नॉर्थ ने बताया कि 6 अप्रैल को मृतक शिवधर प्रसाद रात करीब 8:30 बजे घर से खाना खाकर खेत वाले मकान पर सोने जा रहा था, तभी अभियुक्त भोला प्रसाद उसके पीछे पीछे गया और वहीं पर पड़े एक लकड़ी के मोटे डंडे से ताबड़तोड़ सिर मुंह तथा शरीर पर कई वार किया। शिवधर मौके पर ही नाली के बगल में पड़े भूसे के ढेर पर गिर गया, जिसके बाद भोला प्रसाद ने अपने पिता शिवधर प्रसाद के मुंह पर और कई बार वार किया, जिससे मौके पर ही शिवधर की मृत्यु हो गई, जिसको देखते हुए अभियुक्त पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में पीपीगंज थाना प्रभारी आशीष कुमार सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक अश्वनी कुमार चौबे, उप निरीक्षक शमशीर अहमद, पीपीगंज कस्बा प्रभारी, चौकी प्रभारी कमलेश यादव, कांस्टेबल विकास यादव, धर्मेंद्र यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, थाना पीपीगंज में शिवधर प्रसाद नामक व्यक्ति की हत्या हो गई थी, उस संबंध में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और पुलिस की टीम और सर्विलांस द्वारा साक्ष्यों को एकत्र किया गया। विवेचनात्मक कार्रवाई से ये तथ्य प्रकाश में आया कि उसके बड़े पुत्र जिसका नाम भोला है, उससे उसकी हत्या कर दी है। जो इसमें कारण प्रकाश में आया है वो अवैध संबंधों का और जमीन किसी अन्य व्यक्ति को रजिस्ट्री करने का प्रकाश में आ रहा है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। क्या कुछ इसका बैकग्राउंड है सर? बोला था ये कृषि खेती करता था और लेबर का कार्य करता था, और जो इसका एक भाई भी है वो किसी के साथ गांव में रहता है। इससे पहले कोई घटना किया था कभी? नहीं, इससे पहले कभी कोई घटना नहीं किया, कोई अपराधी व्यक्ति नहीं है। तात्कालिक रूप में ऐसी परिस्थितियाँ हुई और इसमें